हेलो दोस्तों, मैं हूं भानीराम डाल। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे एंटामोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, अपने एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन उनको डिटेल से, जिससे अपने कई क्वेश्चन उनके एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1 किलोमीटर ऑफ लोकट्स स्वाम्स वेग्स एज मच एज टन्स ऑफ द लोकट्स, यानी लगभग 1 किलोमीटर में जो टिड्डियां फैली होती है उनका वजन कितने टन हो जाता है। आजकल वैसे ही टिड्डियों के बहुत ज्यादा प्रकोप है, जैसे अपने बात करें नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियों का दल राजस्थान में घुस रहा है और फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो अभी वार्मिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ जो टिड्डी दल होता है उनका वजन कितना हो जाता है, तो लगभग उनका वजन 300 टन हो जाता है। अब आप सोचिए कि इनका नुकसान कितना होगा, यानी ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और एक साथ ग्रुप में आती है, जिस खेत में बैठती है उस पूरी फसल को चौपट कर देती है। नेक्स्ट अपने बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ऑर्डर ऑर्डिनेटा इंक्लूड्स, ऑर्डिनेटा जो ऑर्डर है उससे कौन सा यहाँ पर कीट है वो बिलोंग करता है। ऑप्शन है मेफ्लाई, ऑप्शन बी है ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन सी है स्टोन फ्लाई और ऑप्शन डी है यहाँ पे मेफ्लाई को सेट फ्लाई कहते हैं, अपने फ्रूट फ्लाई कह देते हैं इसको, ठीक है, फ्रूट फ्लाई। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो ऑर्डिनेटा जो ऑर्डर है उससे बिलोंग करता है, तो ये है ड्रैगन फ्लाई है, वो ऑर्डिनेटा से बिलोंग करता है। अब बाकी की बात कर लें, जैसे मेफ्लाई है तो मेफ्लाई बिलोंग करती है इफीमेरो पटेरिया जो ऑर्डर है उससे करती है, स्टोन फ्लाई है वो बिलोंग करती है प्लेकोपटेरा से, और फ्रूट फ्लाई है वो बिलोंग करती है डिप्टेरा से। तो ये बाकी तीन ऑप्शन है, उनका भी अपने डिस्कस हो गया। नेक्स्ट है अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, पेस्ट ऑफ मेज बिलोंग टू द फैमिली क्रेम्बिडिये, क्रेम्बिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला यहां पर मक्के का कौन सा इंसेक्ट है। ऑप्शन ए है चिल्लो पार्टेलस, जिसको अपने स्पॉटेड स्टॉक बोरर भी बोलते हैं, सेसेमिया इनफ्रेंस, उसके अलावा टेनरिचेस और उसके अलावा मिथिमियाना। तो यहाँ पे चिल्लो पार्टेलस जो है, जिसको अपने स्पॉटेड स्टॉक बोरर भी बोल दिया जाता है, ये कैरम्बिडी जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करता है, यानी थर्ड का जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फेरोमोन्स आर ऑल्सो नॉन एज, फेरोमोन को अपने और क्या कहते हैं, फेरोमोन को अपने एक्टो हॉर्मोन्स भी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा फोर्थ का, बी ऑप्शन होगा। ये जो फेरोमोन्स होते हैं ये जनरली जो मतलब सिंथेसाइज होते हैं कीटों के अंदर, ये होते हैं ग्लैंडुलर एपिडर्मल सेल होती है उसमें सिंथेसाइज होते हैं जनरली, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की, सन जोस केल इज पेस्ट ऑफ, सन जोस केल किसका कीट है, इंपॉर्टेंट है ये, ये है आलमंड एंड एप्पल का, या पियर और प्लम का, या मैंगो गुआवा का, या बनाना और पपाया का। तो सन जोस केल है सबसे ज्यादा नुकसान एप्पल में और उसके बाद आलमंड में पहुंचाता है, तो यहाँ राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें सिक्स नंबर क्वेश्चन, स्टोरेड ग्रेन पेस्ट कैन बी किल्ड बाय हॉर्स एक्सपोजर टू 51.5 to 54.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो स्टोरेज ग्रेन है अपने खाद्यान्न है उनको कितने तापमान पर, सॉरी 51.5 से लेकर 54.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितने घंटे तक रखा जाए कि वो है उसके अंदर जितने भी पेस्ट है वो पूरी तरह से किल हो जाए। जब स्टोरेज के अंदर अपने ग्रेन रखते हैं तो वहां पर 51.5 से 54.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने घंटे के लिए रखें कि उसके सारे जो पेस्ट है वो खत्म हो जाए, तो राइट आंसर है इसका 3 घंटे, 3 आवर्स के लिए अगर अपने 51.5 से 54.5 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो उसके सारे के सारे जो पेस्ट है वो खत्म हो जाते हैं। अब सन जो स्केल का कई बार साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है तो आप यहाँ से साइंटिफिक नेम भी पढ़ सकते हैं, तो बहुत बार एग्जाम में साइंटिफिक नेम पूछा गया है, साइंटिफिक नेम देखे पूछ लेते हैं किसका मेजर इंसेक्ट है, या सीधा कॉमन नेम देखे जैसे सन जोस स्केल है ये कॉमन नेम देखे भी पूछ लिया जाता है, तो ये मेजर इंसेक्ट किसका है, आलमंड और एप्पल का है। नेक्स्ट मैं बात करूं 7 नंबर क्वेश्चन, द ग्लैंड विच प्रोड्यूस फेरोमोन्स इन क्वीन हनी बी, जो क्वीन हनी बी है यानी जो रानी होती है मधुमक्खियों के अंदर
वो फिरोमिन्स कौन सी ग्लैंड से मतलब सिंथेसाइज करती है, प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन ए है मैंडिबुलर ग्लैंड, ऑप्शन बी है मैक्सिलरी ग्लैंड, ऑप्शन सी है लेबिलियल ग्लैंड ग्लैंड और ऑप्शन डी है पायरेनेजियल ग्लैंड। तो जो क्वीन बी होती है वो फिरोमिन जो प्रोड्यूस करती है मैंडिबुलर ग्लैंड से प्रोड्यूस करती है। 7th का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 8th नंबर क्वेश्चन, द एवरेज लोकट स्वार्म स्प्रेड आवर, एवरेज जो टिड्डी का दल है वो कितने एरिया में एक साथ देखने को मिलता है, कितने एरिया में मतलब फैल जाता है, एवरेज औसतन बात कर रहे हैं। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। 10 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, 10 स्क्वायर किलोमीटर 10 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैल जाता है। राइट आंसर बी होगा। बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, आजकल आप न्यूज में सुन ही रहे हैं टिड्डियों का जो अटैक, और कुछ समय पहले भी अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, बहुत सारी टिड्डियां इंडिया के अंदर मतलब एंटर कर रही है। तो 8 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। एवरेज 10 किलोमीटर 10 स्क्वायर किलोमीटर तक इनका दल जो है वो आपको फैला हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट अपने बात करें 9 नंबर क्वेश्चन, द डैमेजिंग स्टेज ऑफ कॉटन जेसिड, जो कॉटन जेसिड होती है उसकी डैमेज स्टेज क्या होती है? कैटरपिलर और निम्फ, उसके अलावा निम्फ बी ऑप्शन, सी कैटरपिलर और डी है निम्फ एंड एडल्ट। जेसिड में आपको पता हो तो निम्फ और एडल्ट ही नुकसान पहुंचाते हैं। राइट ऑप्शन होगा डी, यहाँ पे 9th का डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें 10 नंबर क्वेश्चन, द डैमेजिंग स्टेज ऑफ कटवॉर्म, कटवॉर्म की डैमेजिंग स्टेज क्या है? कैटरपिलर, निम्फ, एडल्ट, ऑल ऑफ दिस। आपको पता हो तो कैटरपिलर का, सॉरी कटवॉर्म का कैटरपिलर होता है वो ही हमेशा नुकसान पहुंचाता है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 10 का ए। तो आज के अपने लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगले क्वेश्चन का अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।